मिर्जापुर के विंध्याचल में हुए बिंद महोत्सव में मथुरा से आए कलाकारों की प्रस्तुति पर मिर्जापुर की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल भी थिरकने को हो गई मजबूर। मिर्जापुर डीएम के थिरकने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। आपको बता दें, विंध्याचल धाम में नवरात्रि का मेला संपन्न हो गया। अब की बार इस मेले में उत्तर प्रदेश विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद के द्वारा विंध्य महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित कराया गया। हर रोज एक से बढ़कर एक कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति की। अष्टमी को मथुरा से आए कलाकारों ने ब्रज की फूलों वाली होली सहित राधा कृष्ण की बेहतरीन झांकियों के प्रस्तुति से माहौल को बिल्कुल भक्तिमय कर दिया। ब्रज के फूलों की होली के प्रस्तुति में वहां मौजूद मिर्जापुर की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल भी अपने आप को रोक नहीं पाई और वो कलाकारों के साथ थिरकने को मजबूर। यही नहीं, जिलाधिकारी के पति भी कलाकारों के साथ झूमते नजर, और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल। लोगों ने जमकर जिलाधिकारी की आपको बता दें, मिर्जापुर के विश्व प्रसिद्ध विंध्याचल धाम में चैत नवरात्रि का मेला संपन्न हो गया। यह मेला 22 मार्च से चल रहा था और हर रोज मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु दूर दराज से वहां पहुंचे। विंध्याचल के रोडवेज परिसर में 9 दिन का उत्तर प्रदेश विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद के द्वारा विंध्य महोत्सव का कार्यक्रम कराया गया और यहाँ हर रोज एक से बढ़कर एक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति पेश की। माँ विंध्यवासिनी के दरबार में आए हुए श्रद्धालु और स्थानीय लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहुंचकर आए हुए कलाकारों को देर रात्रि तक देखा। आपको बता दें, नवरात्रि के अष्टमी तिथि के दिन मथुरा से आए कलाकार दानिश शर्मा ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के मंच पर शानदार प्रस्तुति की और लोगों को झूमने पर विवश कर दिया। कलाकारों ने ब्रज की फूलों वाली होली सहित राधा कृष्ण की बेहतरीन झांकियों की प्रस्तुति से माहौल को बिल्कुल भक्तिमय कर ब्रज की फूलों की होली की प्रस्तुति में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल भी अपने आप को नहीं रोक पाई और वो कलाकारों के साथ थिरकने लगी। यही नहीं, जिलाधिकारी के पति ने जब अपनी पत्नी को थिरकते देखा तो वो भी उनके साथ थिरकने लगी और वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर। गौरतलब है, उत्तर प्रदेश विंध्य धाम तीर्थ विकास के परिषद द्वारा विंध्य महोत्सव का कार्यक्रम विंध्याचल स्थित रोडवेज परिसर में किया गया। मिर्जापुर के जिलाधिकारी की पहल पर पहली बार नवरात्र के मेले में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय लोग भी भारी संख्या में पहुंचे। विंध्य महोत्सव कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिए लोगों की भीड़ जमी रही। डीएम दिव्या मित्तल ने कहा कि ये नवरात्र मेला में मेरा एक छोटा सा प्रयास था और जो कि सार्थक हुआ। सप्तमी तिथि के दिन से ब्रज से आए कलाकारों ने यहाँ पर ब्रज का दर्शन करा दिया। इस बार के नवरात्र में इस आयोजन के अच्छे रिस्पांस को देखते हुए डीएम मिर्जापुर ने कहा कि अगले नवरात्र में इससे भी अच्छा कार्यक्रम करवाने की उनकी पुरजोर कोशिश होगी। देखिए, हमारे विंध्य धाम की बहुत महत्ता है और ये हमारा छोटा सा प्रयास था। माता के दरबार की पूरी महानता तो हम नहीं दिखा सकते, परंतु एक छोटा सा अलंकार, छोटा सा श्रृंगार माँ के कदमों में हम करना चाह रहे थे। उसी ओर जिला प्रशासन की ये कोशिश थी। उम्मीद है कि सबको पसंद आई होगी। यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है मैम, आज क्या कार्यक्रम था और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनका क्या रिस्पांस है? आज हमारा चैत्र नवरात्र का सातवां दिन जो है सकुशल का संपन्न हुआ और आज हमारे कई तरह के कार्यक्रम थे। अजीता श्रीवास्तव जी की कजरी थी, मंजू जी का लोक नृत्य था और ब्रिज फाउंडेशन की दानी शर्मा जी की यहाँ पे फूलों की होली, और उन्होंने यहीं बैठे बैठे हमें वृंदावन और ब्रिज के जो है पूरे दर्शन करा दिए। दर्शकों का भी उत्साह देखने को मिल रहा है, सभी लोगों द्वारा सराहा जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये प्रयास जो है सफल होगा और आगे आने वाले वर्षों में इससे भी और अधिक निखर कर ये प्रयास जो है फल देगा। मिर्जापुर की जनता से आप क्या कहेंगे कि आए यहाँ पे? जी, हमारा सभी से निवेदन है कि बिल्कुल यहाँ पर आए। कल अभिलिप्सा जी का जो हर हर शंभू गाय का गीत गाकर पूरे मुझे लगता है विश्व में प्रसिद्ध हुई, उनका यहाँ पे कार्यक्रम है, विशेष प्रयास है और मेरा सभी को निमंत्रण है, सब आइए। हम लोगों का प्रयास रहेगा कि आपको एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर दे पाए। मिर्जापुर से विंध्याचल से राजू भारती की रिपोर्ट।